मुरादाबाद जनपद के कटघर थाना क्षेत्र में भाजपा कार्यकर्ताओं का चालान काटने और अभद्रता करने पर भाजपाई भड़क। उन्होंने लाजपत नगर चौकी प्रभारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर चौकी पर जमकर हंगामा किया और धरना शुरू कर दिया। बुधवार को रामलीला मैदान में भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। इस दौरान बैठक में भाग लेने गए कार्यकर्ता सुखदेव राजपूत और मुकेश कश्यप का हेलमेट चोरी कर लिया गया। वो बिना हेलमेट के घर लौट रहे थे। बीच में लाजपत नगर चौकी प्रभारी ने चालान काट दिया। आरोप है कि चालान काटने के साथ ही चौकी प्रभारी ने अभद्रता शुरू कर दी। कार्यकर्ताओं की सूचना पर मंडल अध्यक्ष हरीश प्रजापति, राहुल शर्मा, कमल गुलाटी, श्याम बिहारी शर्मा समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता चौकी पर पहुंच गए। उन्होंने चौकी प्रभारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर जमकर हंगामा किया। वहीं हंगामा बढ़ने पर इंस्पेक्टर कटघर राजेश सोलंकी मौके पर पहुंचे। उन्होंने भाजपाइयों से बातचीत की, कार्यकर्ताओं ने पूरा घटनाक्रम बताया। इसके बाद चौकी प्रभारी के खिलाफ कार्रवाई के लिए तहसील इंस्पेक्टर कटघर को जानकारी दी गई। कटघर इंस्पेक्टर ने मामले की जांच और उच्च अधिकारियों से बात कर कार्रवाई का आश्वासन दिया। मंडल अध्यक्ष हरीश प्रजापति ने बताया कि पुलिस को चालान काटने का अधिकार है, लेकिन अभद्रता का नहीं। कार्यकर्ताओं ने पार्टी का कार्यकर्ता बताया, हेलमेट चोरी होने की बात कही, जिसके बाद चौकी प्रभारी द्वारा और अभद्रता की गई। ये सरासर गलत है। अभी आज भारतीय जनता पार्टी की एक बैठक थी लाजपत नगर के रामलीला मैदान में, और वहाँ पे कार्यकर्ता का हेलमेट चोरी हो गया। वो लाजपत नगर रामलीला मैदान से बैठक सभा स्थल से अपने घर जा रहा था। बीच में चौकी इंचार्ज महोदय ने रोडवेज पर चौकिंग करते हैं वो रोज शाम को, उन्होंने उसको रोक लिया। उसने परिचय दिया कि मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूँ और मेरा हेलमेट जो है वहाँ से चोरी हो गया है। मेरा घर पास में पीतल नगरी में मेरा घर है, मुझे वहाँ तक जाने दीजिए। मगर चौकी इंचार्ज ने नहीं माना। इस पर चौकी इंचार्ज से उसने मेरी बात कराई कार्यकर्ता ने। मैंने चौकी इंचार्ज महोदय से अनुरोध किया, निवेदन किया कि मेरा कार्यकर्ता है, भाई साहब इसको छोड़ दीजिए। भाजपा का नाम सुनते ही चौकी इंचार्ज महोदय और ज़्यादा चिढ़ गए। उन्होंने गाली बकते हुए उस कार्यकर्ता का चालान काट दिया। चालान तो चलो ठीक बात है, हम बर्दाश्त कर लेंगे, जमा भी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मगर अभद्रता नहीं की जानी चाहिए। क्या नाम है, कौन सा कार्यकर्ता था? दो अपने कार्यकर्ता हैं, बूथ अध्यक्ष हैं दो अपने भारतीय जनता पार्टी के। क्या नाम है? नाम एक सुखदेव राजपूत है और एक मुकेश कश्यप है। कौन से मीटिंग से लौट रहे थे? लाजपत नगर में रामलीला मैदान में मंडल की कार्य समिति की बैठक थी। वहाँ पे उनका हेलमेट कोई मोटरसाइकिल में रख दिया था हैंडल में, उसने वो चुरा के वहाँ से कोई ले गया। रोडवेज ही रोडवेज वर्कशॉप के पास में वहाँ चेकिंग हो रही थी। कोई बात नहीं, चेकिंग करते हैं पुलिस वाले, कोई दिक्कत का विषय नहीं है। मगर विषय यह है कि उसने आग्रह किया कि मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूँ और मैं ऐसे से मेरा हेलमेट वहाँ से चोरी हो गया, इस पर उन्हें चौकी इंचार्ज को मान लेना चाहिए था। तो कौन कौन थे चौकी इंचार्ज, कौन से कहाँ के? ये लाजपत चौकी इंचार्ज श्री प्रबोध कुमार सिंह जी। क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मांग है कि भाजपा के देखो कार्यकर्ता अगर कोई कह रहा है तो थोड़ा सा उसकी बात को मान लेना चाहिए, क्योंकि कार्यकर्ता बड़ा अनुशासित है और वो कभी अभद्रता का इस्तेमाल नहीं करता है। तो कार्यकर्ता अगर थोड़ी सी कोई अनुरोध कर रहा है तो उसे मान लेना चाहिए। हम लोग तो बहुत कभी चौकी गाली ना पके, उसे अभद्रता ना करें उसे, तो डांट के बदतमीजी। मेरे साथ उन्होंने बदतमीजी की फोन पे, मैंने कहा भाई साहब ये छोड़ दीजिए मेरा कार्यकर्ता है। उन्होंने कहा कार्यकर्ता है तो कोई बात नहीं, उसे कार्यकर्ता नहीं, कितने घूमते मेरे आगे। क्या रणनीति है, क्या कुछ उच्च अधिकारियों से बात हुई है? अपने जो हमारा जो ऊपर का संगठन है, शीर्ष नेतृत्व है हमारा, हम उससे संपर्क में हैं और जिस प्रकार भी ऊपर से निर्देश हमें मिल रहा है उस प्रकार से हम अपना कार्य करेंगे। क्या मांगे हैं? बहुत शांतिपूर्वक हम लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं और हमारी मांगे कि चौकी इंचार्ज को बर्खास्त किया। चौकी इंचार्ज, चौकी